भागलपुर हवाई अड्डा परिसर में राष्ट्रीय महिला जागरण समिति एवं सक्षम फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन एवं राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान संस्था के कार्यकर्ताओं ने तिलकामांझी थाना पुलिस की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भोजन का पैकेट बांटा। लॉकडाउन के कारण लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए विगत कई दिनों से केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ एवं राष्ट्रीय महिला जागरण समिति जिले भर में जागरूकता अभियान के साथ दवा एवं सामग्री वितरण करने का कार्य कर रही है। राहत सामग्री वितरण के दौरान अनुराधा खेतान ने आम लोगों से लॉकडाउन का पालन करने एवं कोरोना महामारी से बचाव करने की बात करते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार काफी सजग है और प्रशासन के साथ स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी एवं आवश्यक सेवा से जुड़े लोग धन्यवाद के पात्र हैं। संगीता तिवारी ने महिला चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों एवं पुलिसकर्मियों के साथ आवश्यक सेवा से जुड़े सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर पिंकी बगड़िया, गुंजन कुमुद, विजय पांडे, कुशाल तिवारी समेत संस्था के कई सदस्य मौजूद थे। पूरे देशवासियों से अपील करती हूँ कि जो सरकार ने हमारे लिए नियम लागू किए हैं, लॉकडाउन किया, उसका पालन पूरी तरह किया जा रहा है, लेकिन फिर भी और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ लोग लापरवाही से निकल भी रहे हैं घर से, उनसे अपील है कि इस तरह की लापरवाही या मजाक समझकर घर से बाहर बेकाम ना निकले। सरकार की तरफ से जो भी व्यवस्थाएँ आ रही है बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि उनका बहुत बड़ा सहयोग है और जनता का भी सहयोग है। मैं प्रशासन को धन्यवाद देती हूँ जो लगातार डटे हुए हैं और इस फील्ड में, इस क्षेत्र में अपनी योगदान दे रहे हैं। और ये अभी जो भी कार्यक्रम यहाँ पे हुआ उसमें हमारे एसआईए टीम बलराम पासवान जी खुद निरीक्षण में थे, इनकी पूरी टीम यहाँ पे नजदीक थे और इनके सक्षम पूरे शांतिपूर्वक सारा ये कार्यक्रम किया गया। सब लोग मिलकर हम लोगों के समक्ष ये टीम पूरी शांतिपूर्वक समाज की सेवा करते हुए हर बच्चों के लिए, हर बुजुर्गों के लिए सारी सुविधाएँ शांतिपूर्ण बंटवारा किया गया। जैसा कि देश में, पूरे विश्व में कह लें कि ये महामारी फैली हुई है, इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ घर में बंद रहना और लॉकडाउन रहना।